ट्रांस से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, शुक्रिया विभा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएं कि पटना से है, जहां शिक्षक बहाली को लेकर बैठक हुई है और बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं कि एक गंभीर विषय है और इससे लेकर एक बैठक हुई है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच, और बीपीएससी के प्रारूप पर हालांकि जो खबर है उसके मुताबिक सहमति नहीं बन पाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से है, जहां शिक्षक बहाली को लेकर बैठक तो हुई है लेकिन जिस प्रारूप को लेकर के, जिस आधार को लेकर ये बैठक हुई थी वो 3.5 घंटे में भी नहीं सुलझ पाया है और बीपीएससी के प्रारूप पर कोई सहमति नहीं बनी। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, 3.5 घंटे की बैठक हो गई, चाय हो गया, बिस्किट, सब कुछ, लेकिन कोई फलाफल नहीं कर पाया। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से बैठक में एक तरह से कहा जा रहा था कि सब कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन तकरीबन 3.5 घंटे की बैठक चली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और बीपीएससी के चेयरमैन और डिप्टी सेक्रेटरी के साथ, लेकिन बैठक हुई है और बैठक बेनतीजा निकला है। निश्चित रूप से लाखों जो शिक्षक अभ्यर्थी है और जो नियोजित टीचर है वो इंतजार में थे। कहा जा रहा है कई बिंदुओं पर जो शिक्षा विभाग है उसने असहमति जताई थी और निगेटिव मार्किंग की पॉलिसी जो है उसको लेकर भी सवाल उठा है। तो निश्चित रूप से कल है फिर से दूसरे दिन की अहम बैठक होगी दोपहर 3 बजे से। उसके बाद कहा जा रहा है कल जो है अंतिम फैसला हो सकता है। उसके बाद इस महीने के अंत तक पूरी तैयारी है आयोग की कि विज्ञापन जारी हो जाए, लेकिन पहले जो पेच फंसी है उनसे जो है निपटारा हो सके। विवेक, कि कुल कितने बिंदु हैं जिसके आधार पर ये बैठक हो रही थी, कितने बिंदु ऐसे हैं जिन्हें सुलझाया जाना था, और 3.5 घंटे में इतने महान लोग जब बैठे हुए थे वहां पर, अधिकारी बैठे हुए थे, शिक्षाविद बैठे हुए थे, तो क्या इसे सॉल्व कर पाना कितना कठिन था? क्या इसमें बहुत सारा टेक्निकल पेच है? देखिए कई टेक्निकल पेच है। अब सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसमें संज्ञान लिया है। ये खबर आ रही है कि सीएम ने कहा है कि पूरे मामले पर आयोग और शिक्षा विभाग जो है इस पर पहल करें, क्योंकि लगातार विरोध जारी है। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, आगे विधानसभा है, और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ जो नियोजित टीचर है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि परीक्षा का जहां एक तरफ से बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, वहीं पर जो नियमावली है उसका ही विरोध जताया जा रहा है। तो कई बिंदु है इसमें, निगेटिव मार्किंग के साथ साथ जो ठीक है। रजनीश, तो आप नजर बना के रखिए, कल 3.5 घंटे और भी बैठक होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिल पाता है, उस बैठक का क्या असर होता है। बाकी खबरों के लिए स्टूडियो का रुख करते हैं।